नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए जानते हैं सुर्खियों को। उपायुक्त द्वारा चैताड़ी मातृत्व एवं शिशु अस्पताल का किया गया औचक निरीक्षण, दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय सलाहकार समिति DLCC की बैठक, पदाधिकारियों को दिए गए उचित दिशा निर्देश। पिल्ट और खलिहान में लगी आग, नाना नाती की हुई मौत, 3 झुलसे। सर जैसे बोस विज्ञान भवन को जल सवारने का होगा काम, विधायक उपायुक्त ने किया निरीक्षण। और लोकाय थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार राय ने गश्ती के दौरान बरामद किए 13 पेटे शराब, 3 बाइक भी किया जब्त। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह उपायुक्त ने चैताड़ी मातृत्व प्रसव एवं स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण मंगलवार को किया। मौके पर उपायुक्त ने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गिरिडीह उपायुक्त द्वारा मंगलवार को चैताड़ी मातृत्व प्रसव एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि मातृत्व एवं शिशु अस्पताल चैताड़ी के जीर्णोद्धार कार्य का प्राकलन तैयार करते हुए उसके अनुरूप कार्य करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने पोस्ट कोऑपरेटिव वार्ड, MTC केंद्र, कुपोषण केंद्र, लेबर रूम, स्त्री व पुरुष वार्ड, आउटडोर पैथोलॉजी सेंटर, प्रतिरक्षण केंद्र आदि का जायजा लिया तथा कुपोषण केंद्र को ठीक करने, लेबर रूम एवं आउटडोर सहित वार्डों व पैथोलॉजी सेंटर की सफाई पर ध्यान देने की बात कही। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सभी कक्षों की साफ सफाई, नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव व सैनिटाइज करने का निर्देश दिया। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मियों को कार्यालय ससमय आने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि आमजनों व मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, विशेष प्रमंडल एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय सलाहकार समिति DLCC की एक बैठक हुई। बैठक में कार्यों की समीक्षा की गई। समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति DLCC की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा जिला अंतर्गत PMECGP SHG समूह को ऋण प्रदान करना, PM किसान लाभुकों को KCC से आच्छादित करना, नाबार्ड PLB लॉन्चिंग, PMEGP की उपलब्धि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, RCT का कार्य, CD रेशियो एवं अन्य विभिन्न कार्यों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा बताया गया कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आपदा की इन परिस्थितियों में भी हम सभी को हर स्तर पर आम जनों को लाभ पहुंचाने की दिशा में और बेहतर कार्य करते हुए आर्थिक व सामाजिक रूप से सुदृढ़ होने की आवश्यकता है। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक ऋण योजना की द्वितीय तिमाही की उपलब्धि से संबंधित विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह विधायक, नगर निगम आयुक्त, अग्रणी जिला प्रबंधक, अग्रणी जिला पदाधिकारी, RBI सहायक महाप्रबंधक, RBI DDM, नाबार्ड प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक प्रतिनिधि मौजूद रहे। मंगलवार को गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के साथ विज्ञान भवन का निरीक्षण किया, साथ ही इसे सवारने को लेकर चर्चा भी की। मंगलवार को गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के साथ विज्ञान भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, जेसी बोस सोसाइटी के रितेश सराग, रामजी प्रसाद यादव, प्रभाकर कुमार समेत कई झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मौके पर सभी ने पूरे विज्ञान भवन का निरीक्षण किया, साथ ही इसे सवारने को लेकर चर्चा की। इस दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि इस धरोहर का रखरखाव और लाइब्रेरी को पुनः चालू करने के लिए एक कमेटी बनाया जाएगा ताकि इस धरोहर की देखरेख अच्छी तरह से हो सके और यहां आने वाले छात्र छात्राओं को कुछ सीखने को मिले, जिसे लेकर
आज यह निरीक्षण किया गया है। धरोहर है घूमघोस लाइब्रेरी के रूप में और यह बहुत आवश्यक है कि इस लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार हो। यहाँ पर बच्चे आए, इस धरोहर का सम्मान करें, यहाँ के महत्व और यहाँ की महानता के बारे में जानें। इसके द्वारा बनाए गए जितने भी मशीन हैं, अपैरेटस हैं, मॉडल हैं, उनका रख रखाव आने वाले सभी लोग उसका लाभ लेते हैं। इसको एक पूर्ण रूपेण नए सिरे से इसको स्थापित करने के लिए सबसे पहले यहाँ एक समिति का गठन करवाने का निर्णय लिया गया है। समिति बनाकर इसको यह जिम्मा दिया जाएगा कि सही तरीके से इस पूरे लाइब्रेरी का रख रखाव करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ बच्चे आ सकते हैं, उनको क्या लाभ मिल सकता है, उस पर कंटिन्यूस निगरानी बना के रखें। यहाँ के जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इसका एक पूरा रेनोवेटेड लुक आगे जाए। पेटनार थाना क्षेत्र के चिरकेड़ी गांव में सोमवार देर रात एक खलिहान में आग लग गई। आग की चपेट में आने से नाना व नाती की मौत हो गई, जबकि घटना में तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए। जानकारी मिलने के बाद गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू पीड़ित के घर पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली। साथ ही परिजनों को आपदा प्रबंधन फंड से 4-4 लाख मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। पेटर थाना इलाके के चिरकेड़ी गांव में सोमवार देर रात एक खलिहान में आग लग गई। आग की चपेट में आने से नाना और नाती की मौत हो गई, जबकि घटना में तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मृतकों में 60 साल के छोटू हेमरम और उनका 13 वर्षीय नाती रमेश हेमरम बताया जा रहा है। गंभीर रूप से झुलसे लोगों में मनीष हेमरम, राजेश हेमरम और शिकारा हेमरम शामिल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद गिरिडीह सदर विधायक सुदीव कुमार सोनू मृतकों के घर पहुंचे और परिजनों से पूरी घटना की जानकारी ली। इस दौरान विधायक ने परिजनों को आपदा प्रबंधन फंड से 4-4 लाख मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। गत रात घटी दुर्भाग्यपूर्ण घटना बड़ी अफसोसजनक है। बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने खेत खलिहान में सोए हुए लोगों के साथ ये मसला बना। जिनका इलाज हो सकता था बेहतर, उनको धनबाद रेफर किया गया है और जो दो लोग डेथ कर गए उनका पोस्टमार्टम करा के सरकार के तरफ से आपदा प्रबंधन में जो भी सहायता राशि होगी वो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। घटना को रोका या बदला तो नहीं जा सकता है, लेकिन आगत जीवन में जो उनके परिजन हैं उनका जीवन आसान हो इसका प्रयास है और हमें उम्मीद है कि उनके जीवन को हम लोग बेहतर करने में कामयाब होंगे। मतलब घर से निकले जिससे मतलब सूचने के लिए गए जिससे दादाजी भी था साथ में, घुसा वो भी हो गया था। तो एक था मेरा भाई था, वो उठा हमको बोला जल गया जल्दी उठो, तो उठे और बाहर निकले। तो दो जन था, छोटा छोटा भाई था, तो गेट तरफ पूरा जल रहा था ना, मतलब बाहर इधर ही निकल गया। बस उतने देखे और बहुत बकवा तो उसमें नए थे। बेगाबाद के मानजोरी पंचायत अंतर्गत नयाडी के सामाजिक कार्यकर्ता बहामुनि के परिजनों से गांडे विधायक सरफराज अहमद मिले और उन्हें हर संभव मदद देने की बात कही। बेगाबाद प्रखंड अंतर्गत मानजोरी पंचायत अंतर्गत नयाडी गांव निवासी बहामुनि मुर्मू की अचानक मृत्यु हो जाने की सूचना पर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद उनके पैतृक आवास पहुंचे और उनके परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। मौके पर विधायक ने कहा कि बहामुनि मुर्मू बहुत ही सरल स्वभाव के व मिलनसार व्यक्ति थे और समाज को साथ लेकर चलने वाले सामाजिक व्यक्ति थे, जिन्होंने हमारे साथ पूर्व में काम किया। साथ ही उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। मौके पर मृतक की बेटी ने विधायक को साधुवाद दिया। मौके पर मुख्य रूप से कांग्रेस के युवा नेता हसनैन आलम, मोहम्मद जैनुल अंसारी, सहनवाज अंसारी, कांग्रेस नेता दीपक पाठक, अनिल हेमरम, सुशील हेमरम समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं और साथ हर अच्छे बुरे समय में ये लोग साथ रहते हैं। बिल्कुल सही तो बात है। हम लोग को भी आना ही है। अब जो दिक्कतें हैं इस गांव की वो इन लोगों से बात करके उसका निष्पादन हम करेंगे। ब्रह्मभोज है आज, है ना? तो आज सर को, आज सर को हम लोग चाहिए, हम हमारे पास है ना, आप आकर के हम लोगों का सबको आए सर लोग, बहुत बहुत धन्यवाद है ना। उपायुक्त के साथ मिलकर गिरिडीह विधायक ने पचम्बा गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया और कई संभावित योजनाओं पर चर्चा की।
मंगलवार को उपायुक्त के साथ मिलकर गिरिडीह विधायक सुदीव कुमार सोनू ने पचम्मा स्थित गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया और वहां टूटे फूटे पुराने भवन को तोड़कर उसी जगह पर क्लासरूम और ऑडिटोरियम सहित कई संबंधित योजनाओं पर चर्चा की। साथ ही विद्यालय के सड़क पर खेल के मैदान में हाई मास लाइट और शौचालय सहित शेड आदि आधुनिक सुविधाओं के निर्माण पर बात की। साथ ही जल्द ही इस स्कूल को एक मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का वादा किया। मौके पर जिलाध्यक्ष संजय सिंह के अलावा गौरव कुमार, अभय सिंह, गोपाल शर्मा, राकेश सिंह, प्रदोष कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। ये सब ये ऑडिटोरियम एक हो गया। हाँ। ये इधर ये हम इधर पहले लोग अब बार उठाई घूमने उमने के बच्चा लोग का पीछे वाले बिल्डिंग ये बिल्डिंग तो ठीक है ये ठीक लग रही है ये तो ठीक है ये इस वाला सा हम लोग एक छोटे सकते हैं तीसरी प्रखंड के लोकाय थाना अंतर्गत उजवे गांव के पूर्व स्थित जंगल से 13 पेटी शराब व 3 बाइक को लोकाय थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार राय ने गश्ती के दौरान बरामद किया। हालांकि इस दौरान बाइक चालक फरार होने में सफल रहा। तीसरी प्रखंड के लोकाय थाना अंतर्गत उजवे गांव के पूर्व स्थित जंगल से 13 पेटी शराब व 3 बाइक को लोकाय थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार राय ने गश्ती के दौरान बरामद किया है। हालांकि सभी बाइक चालक बाइक व शराब की पेटी छोड़कर भागने में सफल रहा। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी मंगलवार की अहले सुबह पुलिस जवान के साथ गश्ती में निकले थे। इसी बीच उजवे गांव के पहले जंगल में 3 बाइक में 6 लोग शराब की पेटी लेकर उजवे गांव के रास्ते बिहार खपाने को जा रहे थे। पुलिस ने शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए उनका पीछा किया तो जंगल से सभी भाग गए। बताया जाता है कि सभी मनसाडी व चंदौरी के रहने वाले हैं। छापेमारी दल में थाना प्रभारी के साथ सब इंस्पेक्टर ब्रिज कुमार, ASI राजकिशोर शर्मा शामिल थे। ओपी के बगल से ही बिहार उजवे पहाड़ी पार करके लोगों द्वारा अवैध शराब का बाहर सप्लाई किया जा रहा है। उस सूचना पर जांच एवं सत्यापन में निकले अपने दल बल के साथ तथा पहुँचे वहाँ जंगल में जहाँ की घना कोहरा था एवं जंगल था और हम लोग आहट सुनकर मैंने सारा अपराधकर्मी जो शराब तस्करी थे वहाँ से फरार हो गए। इसके बाद में हम लोग 3 बाइक जो बचा बाइक और शराब जब्त कर जब्त सूची बनाकर वहाँ से अपने थाना लाए। गिरिडीह गांडे मुख्य मार्ग महेश मुंडा ब्रिज के समीप रोड की स्थिति काफी जर्जर है जिससे आए दिन यह दुर्घटना होती रहती है। मंगलवार को भी पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद वाहिद बाल बाल बच गए। गिरिडीह गांडे मुख्य मार्ग महेश मुंडा ब्रिज के समीप रोड की स्थिति काफी जर्जर होने से राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन यहां दुर्घटनाएं होती रहती है और इन सब का खामियाजा आम लोगों को व राहगीरों को झेलना पड़ता है। मंगलवार को भी मधवाड़ी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद वाहिद खान भी जर्जर सड़क के कारण बाल बाल बचे। मौके पर उन्होंने बताया कि यह सड़क गिरिडीह जिले से जामताड़ा जिले को जोड़ती है और महेश मुंडा रेलवे स्टेशन समीप रेलवे की लापरवाही के कारण सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। वहीं कांग्रेस के युवा नेता हसनैन आलम ने बताया कि रेलवे नाली व सड़क की मरम्मति अविलंब कराई जाए अन्यथा सभी ग्रामीण रोड पर आगामी 17 दिसंबर को धरना प्रदर्शन व रोड जाम करेंगे। मौके पर मुख्य रूप से मोहम्मद जैनुल अंसारी, युवा नेता हसनैन आलम, सहनवाज अंसारी, दीपक पाठक समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। बारह महीना में 9 महीना इसे पानी का जल जमा रहता है। पानी की नदी का कोई साधन नहीं है। 9 महीना के कारण निकला हुआ है पूरा सरिया निकला हुआ है। महेश मुंडा ओवर ब्रिज के पास नाली नहीं रहने के कारण रेलवे के द्वारा जो ओवर ब्रिज बनाया गया है नाली नहीं रहने के कारण सारा पानी जो है यहाँ पे आके जमा हो जाता है जिससे आए दिन यहाँ पे सड़क दुर्घटना होते रहती है। चूँकि बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया है
जिसके कारण कई बार दुर्घटना हो चुका है पहले भी। आज हमारे इस पंचायत के पंचायत समिति सदस्य भी जो है सो गिर गए यहाँ पर, और इसके आलोक में हम लोग 17 तारीख को महेश मुंडा बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा ये पूरा रोड को जाम कर देंगे, और जब तक यहाँ पर DRM आसनसोल से नहीं आएंगे तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ की जो जनता है उनका सुरक्षा चाहिए, यहाँ की जो जनता है उनको किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, इनकी सुरक्षा की गारंटी रेलवे को लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सभी आसपास के ग्रामीण जनता से यह आह्वान करते हैं कि 17 तारीख को 10 बजे यहां पे सारे लोग उपस्थित हों और रोड जाम का जो कार्यक्रम उसको सफल बनाए। पपरवाटार स्थित कर्पूरी चौक के समीप उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलाटार में नाई समाज की एक बैठक हुई। बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई। पपरवाटार स्थित कर्पूरी चौक के समीप उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलाटार में नाई समाज की एक बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें नाई समाज के कल्याण के लिए कई आवश्यक निर्णय लिए गए। साथ ही मौके पर मौजूद समाज के अध्यक्ष नंदलाल शर्मा की अध्यक्षता में पपरवाटार स्थित कर्पूरी चौक पर जल्द से जल्द जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा स्थापित करने पर सहमति बनी। वहीं समाज के लोगों ने आगामी 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती मनाने का निश्चय किया। साथ ही बैठक में समाज कल्याण के लिए महिलाओं को विशेष दर्जा देने पर सहमति बनी एवं प्रखंड कमेटियों का पुनर्गठन पर भी चर्चा हुई। हम लोग कर्पूरी चौक स्थित पपरवाटाण में एक राष्ट्रीय नाई महासभा का बैठक किए हैं, जिसका मुख्य बिंदु होगा कल दिनांक 16/12/2020 को जो स्थान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से नामकरण हुआ है टोल टैक्स के समीप, उस स्थल पर कल हमारे समाज के लोग उस पर आदमकद प्रतिमा जननायक जी के लिए जो लगना है उसका कल से कार्य प्रारंभ होगी। इसमें हम वैसे लोगों को शुभारंभ के लिए आमंत्रित करेंगे जिन्होंने चौक का नामकरण करने में सहयोग किया है और हमारे समाज के लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला के चलने का काम करते हैं, वैसे लोग कल उपस्थित रहेंगे। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।